मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। जिया जाए ना जाए ना जाए ना और प्यारे, जिया जाए ना जाए ना और प्यारे, और प्यारे प्यारे। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुरेश कुमार आयुष अकेडमी 10+2 यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं उपस्थित हुआ हूं ये गृह विज्ञान के 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर, जो कि आपके 2022 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाभकारी है। तो सभी विद्यार्थियों से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और हर एक प्रश्न, हर एक ऑप्शन के बारे में मैं बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या करने वाला हूं। तो चलिए बिना समय गवाए, बिना विलंब किए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन गर्भाशय की कठिनाई है, निम्न में से कौन गर्भावस्था की कठिनाई है। चलिए गर्भावस्था, मैं बता दूं इस प्रश्न का सही जवाब होगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। देखें क्या कह रहा है, मैं अगर बात करूं गर्भावस्था की कठिनाई तो देखें गर्भपात होने का भी भय रहता है, डर रहता है, अपरिपक्व बच्चे का जन्म होता है जिससे बच्चे मर जाते हैं, मृत्यु डेट पैदा होते हैं, आप लोग समझ रहे हैं भली भांति। और ऑप्शन सी कह रहा है गर्भकालीन विषाक्तता भी हो जाता है, ये आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो इस प्रश्न का सबसे सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए ऑप्शन डी इनमें से सभी। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है, निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है। ये देखें इस प्रश्न का सही जवाब होगा, मास्टर ग्रंथि कहते हैं जी, ऑप्शन ए आपको दिखाई दे रहा होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है एक अंतःस्रावी ग्रंथि का प्रकार है, जिसकी आकृति 0.2 mm होता है, ऐसा कुछ होता है, आप लोग समझे। तो इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से पिट्यूटरी ग्लैंड को जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चे को पूरक आहार, बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद देनी चाहिए। बच्चे को, आप लोग याद रखें, बच्चे को पूरक आहार 6 माह के बाद देनी चाहिए। पूरक आहार, आप अगर आयुष अकेडमी के विद्यार्थी हैं तो मैंने आहार के बारे में पढ़ाया है, तरल आहार क्या होता है, पूरक आहार क्या होता है, ये सब मैंने बताया है भली भांति। चलिए इस प्रश्न का ऑप्शन उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना विलंब किए। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न कह रहा है कि गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। गर्भावस्था में रक्त में, रक्त मतलब होता है खून जी कह सकते हैं, किस तत्व की कमी हो जाती है। तो ये सब प्रश्न सभी लोगों को, सभी विद्यार्थियों के मालूम होगा कि इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन बी कैल्शियम, CA, इसको डिनोटेड करते हैं सी, जो कि कैल्शियम स्रोत होता है, सबसे ज़्यादा देखें दूध में पाया जाता है कैल्शियम। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों माता का दूध --- होता है, माता का दूध --- क्या होता है, माता के बारे में पूछा है। चलिए ऑप्शन ए की तरफ बढ़ते हैं, निहारते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है अपमिश्रित नहीं हो सकता। अरे क्या यार, हो सकता है अपमिश्रित, यदि बच्चा को डायरिया है तब भी दिया जा सकता है, नहीं माँ का दूध नहीं दिया जाता है सिर्फ बच्चे के लिए। अगला प्रश्न अगला ऑप्शन कह रहा है सिर्फ बच्चे के लिए संतोषप्रद है, नहीं ये ऑप्शन भी गलत है, सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, बल्कि मैं बता दूं अगर एक माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो माता और दोनों को संतोष प्राप्त होता है, दोनों संतोषप्रद होते हैं, सिर्फ बच्चा नहीं। तो इस प्रश्न का सबसे उचित जवाब लग रहा है ऑप्शन डी, माता का दूध हमेशा ताज़ा होता है, वो कहते हैं ना कि तुमने अपनी माँ का दूध पिया है, ऐसा फिर लोग कहते हैं। चलिए आप लोग भली भांति समझ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विद्यार्थियों इनमें से कौन प्रसव उपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा विश्राम एवं निंद्रा। देखें अगर हम सभी ऑप्शनों की तरफ नज़र फिरते हैं, डालते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, स्तनपान, स्तनपान तो प्रत्यक्ष देखभाल है जी,
व्यक्तिगत भी व्यक्तिगत स्वच्छता भी देख प्रत्यक्ष देखभाल है, उत्तम पोषाहार भी देखभाल है, लेकिन जब माँ विश्राम की स्थिति में होती है प्रसव उपरांत या फिर निंद्रा में, तो आप प्रत्यक्ष कैसे हो सकते हैं? चलिए, आप लोग समझ रहे हैं अच्छी तरीके से। चलिए अगला प्रश्न देखें विद्यार्थियों, कह रहा है कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता, कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, धन। धन विकास को प्रभावित नहीं करता, बाकी सब ये जो है पोषण, पोषण हाँ जी करता है जी विकास को प्रभावित, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ इंडोक्राइनिक ग्लैंड्स जो होते हैं ये भी करते हैं, रोग एवं चोट भी करते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? क्रियात्मक विकास यानी कि जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं, पाँव को हिलाते हैं। चलिए इस प्रश्न का, चलिए फिर से एक बार कहूँगा कि कौन क्रियात्मक विकास नहीं है, तो मैं कहूँगा बोलना। बोलना देखें, बोलना यहाँ है भाषात्मक विकास। चलिए बोलना क्या है भाई? भाषात्मक विकास, भाषा का विकास है भाषात्मक। चलिए जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। चलिए बाकी सब चीज़ें आप लोग को दिखाई दे रही, सिर संभालना ये क्रियात्मक विकास है जी, घुटने के बल चलते हैं शिशु ये भी क्रियात्मक विकास है, पकड़ते हैं गेंद बॉल बल्ब आदि को पकड़ने का प्रयास करते हैं, ये सब क्रियात्मक विकास है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है, क्या कहलाता है? ओ यार थायराइड थायरॉक्सिन, याद रखें सभी विद्यार्थी, थायराइड थायरॉक्सिन। चलिए इसमें ज़्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, आप लोग भली भांति समझ रहे हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है? मैं बता दूँ रोग निरोधी क्षमता होती है बच्चों दो प्रकार की, कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होता है प्राकृतिक रोग निरोधी क्षमता, प्राकृतिक, पहला होता है प्राकृतिक, अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल, क्या कहते हैं जी? नेचुरल, जो ईश्वर द्वारा या हमें हमारे माता पिता से मिलता है, जो इम्यूनिटी बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी पावर बोलते हैं। रोग निरोधी क्षमता को अंग्रेजी में इम्यूनिटी पावर बोलते हैं। पहला होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल, क्या होता है जी? आर्टिफिशियल को हिंदी में कहते हैं कृत्रिम, आर्टिफिशियल, जो इंजेक्शन द्वारा व्यक्तियों के शरीर में प्रतिरोधक के रूप में लगाया जाता है, आप लोग सुन रहे हैं भली भांति। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। चलिए ग्यारहवा प्रश्न क्या कह रहा है जी, ग्यारहवा प्रश्न देखें, ग्यारहवा प्रश्न कह रहा है अंतःस्रावी, चलिए अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग है जो आम जनता में अधिकतर देखा जाता है जी, किसी न किसी आजकल ये जो रोग है, मैं बता दूँ ग्यारहवें प्रश्न का सही जवाब होगा विद्यार्थियों, देखें ए मधुमेह, अंग्रेजी में डायबिटीज कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डायबिटीज। चलिए डायबिटीज, चलिए आप लोग समझ रहे हैं, अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग है मधुमेह, अंग्रेजी में डायबिटीज कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक एक रोग है जो मीठा भोज्य पदार्थ मीठा ज़्यादा सेवन करने से होता है और बुढ़ापे में इस रोग की अधिकता बढ़ जाती है। और मैं बता दूँ मोटे जो व्यक्ति होते हैं जिनमें मोटापा होता है, मोटे व्यक्तियों में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। चलिए बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत अगला प्रश्न देखते हैं। जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? जल प्रदूषण, देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है, तेल रिफाइनरी, हाँ जी वन रूपर तो नहीं, ये कभी होगा ही नहीं, तेल रिफाइनरी, हाँ जी ये कारखाने जो होते हैं करते हैं जल को प्रदूषण। चलिए कागज कारखाना ये सब है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है जी, DPT, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टाइपिस्ट ने गलत किया है, यहाँ पर होना चाहिए डी, चलिए मैं लिख रहा हूँ डी पी और टी, ये सही लग रहा है। DPT का पहला टीका कब लगता है? मैं बता दूँ इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एक मास पर, यानी कि वन मंथ पर लगता है बच्चों, आप लोग ध्यान दें। DPT का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग याद करें, ये भी कभी कभी पूछता है, डी से होता है डिप्थीरिया, पी से होता है पर्टूटिस और टी से होता है टेटनस, यानी कि कुल रूप इसका पूर्ण रूप हो गया डिप्थीरिया पर्टूटिस टेटनस। चलिए आगे पूछ सकता है प्रश्न, चलिए बहुत सुंदर अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है कि संक्रामक रोग से तात्पर्य है, ओए होए क्या बात है, संक्रामक रोग से तात्पर्य है, तो चलिए सबसे उचित जवाब लग रहा है ऑप्शन सी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोग फैलता है यार वही तो होता है संक्रामक रोग। चलिए बहुत खूबसूरत अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है विद्यार्थियों, विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है,
विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है किसके लिए? तो मैं ऑप्शन ए की तरफ अगर देख रहा हूँ, बच्चों के लिए हाँ जी है, ये भी हो सकता है। अभिभावकों के लिए हाँ जी, ये भी हो सकता है। शिक्षकों के लिए हाँ जी, ये भी हो सकता है। तो हम क्यों ना कह दें ऑप्शन डी, तो 15 का डी इनमें, इन सभी के लिए। चलिए, बहुत सुंदर, आप लोग समझ रहे हैं भली भांति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? तो चलिए, सबसे अच्छा जवाब मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऑप्शन बी, 16 का भी, कपड़ों की धुलाई। कपड़ों की धुलाई के लिए अतिरिक्त जल की आवश्यकता होती है, थोड़े से जल में, बाल्टी दो बाल्टी में थोड़ी हो सकता है। अच्छे से धोएंगे फिर तो जाके कपड़े साफ होंगे, वस्त्र। चलिए, बहुत सुंदर, अगला प्रश्न देखते हैं बाबू सब। चलिए अगला है, भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या होती है? चलिए, भारतीय शिशु जो होते हैं, चाइल्ड हैज बोर्न, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय ना, भारतीय बच्चों की बात की जा रही है यहाँ पे, भारतीय बच्चों की औसत ऊंचाई कितनी होती है? देखिए यहाँ पे बहुत लोग होते हैं कि कोई ये 40 कहते हैं, कोई 50, 40 50 में कंफ्यूज होते हैं बच्चे, लेकिन यहाँ पे आपको विचलित नहीं होना है, मैं हूँ आपके साथ। जब भी ये प्रश्न आपको दिखाई दे, बहुत बार पूछा हुआ है, तो आप उत्तर लगाइएगा 50 सेंटीमीटर। चलिए, आप लोग इसको याद रखें। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या कर, सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है, सांकेतिक ना, संकेत करते हैं, इशारों में कहते हैं ना, इशारा करते हैं, तो सांकेतिक मतलब इशारे से जो बच्चों को पढ़ाते हैं, सांकेतिक जो भाषा होता है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है अंधे बच्चों के लिए। चलिए, अंधे बच्चों के लिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है असामाजिक बच्चों के लिए। तीसरा कला विकलांग बच्चों के लिए। लेकिन सबसे उचित इस प्रश्न का जवाब लग रहा है गूंगे और बहरे बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप गूंगे हैं तो ना बोल नहीं सकते हैं, गूंगे बच्चे बोल नहीं सकते हैं, अब बहरे भी हैं तो सुन भी नहीं सकते हैं, तो जाहिर सी बात है यार, इशारा करना पड़ेगा, तब तो बच्चे समझेंगे, पढ़ेंगे। चलिए, बहुत सुंदर, याद रखें इस प्रश्न को। अगला प्रश्न देखें क्या कह रहा, दुखद संवेद का उदाहरण है। दुख कब होता है? दुख कब होता है? जब क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध दुख का कारण है विद्यार्थियों। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कृत्रिम या लुप्त अंग वाले बच्चों की विशेष आवश्यकता कौन कौन सी है? चलिए, ऑप्शन ए की तरफ अगर मैं नज़र कर रहा हूँ तो देखें, प्राकृतिक चिकित्सा भी हो सकता है, शारीरिक आवश्यकता भी हो सकता है, शैक्षणिक आवश्यकताएं भी हो सकती है। तो मैं क्यों ना कह दूँ, मिल गया ऑप्शन, ऑप्शन डी इनमें से सभी होगा। चलिए, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। 21वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा PDF जूम कर रहा हूँ क्योंकि छोटे लिपियों में वर्णित है। चलिए, 21वां प्रश्न क्या कह रहा है, बच्चों में असमर्थता हो सकती है, यानी कि असमर्थता, बच्चे असमर्थ कैसे हो जाते हैं? चलिए, ये बहुत सुंदर सा प्रश्न है, इस पर देखें विशेष मेरा तर्क है, इस प्रश्न को मैं अच्छे से बताऊंगा। बहुत लोग ना इसको ये करके आ जाते हैं, हो करके आते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो मैं आप लोग को, असमर्थता मतलब अयोग्यता कैसे हो जाती है बच्चों में, तो देखें ऑप्शन ए कह रहा है, जन्म के पूर्व से। हाँ जी, हो सकता है जन्म के पूर्व से, गर्भकालीन से ही उनमें कोई डिफेक्टिव आ जाती है ना, विकलांग पैदा हो जाते हैं बच्चे, मानसिक कमजोर हो जाते हैं, जन्म के समय भी तो हो सकता है। हाँ जी, जन्म के समय भी। चलिए, जन्म के बाद, जन्म के समय चोट लग गया बच्चे को ना, या फिर कोई ट्रीटमेंट में कोई गड़बड़ी हो गई, तो फिर बच्चे में ना असमर्थता हो सकती है बच्चों, जन्म के बाद से भी हो सकती है। यानी कि 21वां प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी रीजन है। चलिए, बहुत सुंदर, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। 22वां प्रश्न कह रहा है, चलिए 22वां प्रश्न कह रहा है, देखें यहाँ पे थोड़ा सा जेब को छोटा करते हुए। चलिए, 22वां प्रश्न कह रहा है, सुखद संवेग। देखिए, मैंने इससे पहले क्या बताया था, दुखद, दुख कब होता है, आदमी जब क्रोध की स्थिति में होता है जी। चलिए, यहाँ पे बात कर रहा है, सुखद संवेद का उदाहरण है स्नेह, इस प्रश्न का सही जवाब और संभी स्नेह, लगन लागी तो से बलमा, ठीक है ना, जब लगन लग जाती है तो लगता है कि आसमान में उड़ रहा हूँ, सुने ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। चलिए, बहुत सुंदर, स्नेह मतलब प्रेम लगाव, वो इस स्थिति में ना शरीर में अजीब प्रकार की संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, अलग एक संचार चलता है जी, संवेग का ना, सब कुछ अच्छा लगता है। चलिए, बहुत सुंदर, आप लोग समझ रहे हैं भली भांति। अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न कह रहा है, ICDS की स्थापना कब हुई थी? ICDS की स्थापना हुई थी, मैं बता दूँ सब कोई याद कर ले, 1975। यहाँ पे लिखो ICDS, ICDS का फुल फॉर्म भी पूछता है एग्जाम में, तो देखिए ICDS, I का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, C का मतलब चाइल्ड, और D का मतलब डेवलपमेंट, और S से होता है सर्विसेज। हो गया इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, हिंदी में इसको कहते हैं विद्यार्थी सब समेकित
समेकित बाल विकास परियोजना, चलिए जगह नहीं है, समेकित बाल विकास परियोजना। आंगनवाड़ी क्षेत्रों में ये सुविधाएं पाई जाती हैं, हर एक पंचायत क्षेत्र में होता है, आप लोग ग्रामीण लोग हैं अगर हैं तो समझ सकते हैं। चलिए बहुत सुंदर, आगे चलें, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। ये बहुत सुंदर प्रश्न, देखें ये रोग अधिकतर देखा जा रहा है आजकल भी। किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, उस विटामिन को कहते हैं विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से बच्चों में, मैं बता दूं, चलिए यहाँ पे ध्यान देखें, रिकेट्स, कौन सा रोग होता है जी, रिकेट्स, रिकेट्स रोग हो जाता है जिसमें पैर की हड्डियाँ क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल। क्या होता है बच्चों, कैल्सिफेरॉल, समझे, कैल्सिफेरॉल, यहाँ पे जगह नहीं है, आप लोग आवाज़ सुन के समझ सकते हैं, कैल्सिफेरॉल। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है सूर्य प्रकाश, सनलाइट कहते हैं, मछली के कॉर्न लिवर तेल में मिल सकता है, और भी बहुत भोज्य पदार्थ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मैंने भली भांति बताया है अपने विद्यार्थियों को, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है, मैं बता दूं इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन बी ग्लूकोज। क्या होगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज डी बी सी अनेक अनेक मात्रों में मिलता है। याद कीजिए जब गर्मी के मौसम थे और धूप लग जाती थी, दस्त होता था, उल्टी होता था, चक्कर आते थे, तो घर वाले मेडिकल शॉप से जाते थे और ग्लूकोज डी खरीद के लाते थे, पानी में घोल करके पिलाते थे और हम अच्छे हो जाते थे, याद होगा आप लोगों को। चलिए बहुत सुंदर 2600 प्रश्न देखते हैं। ज्यादा उष्मा और शक्ति का उत्पादन करने वाला पदार्थ है, ओए यार अखमुंद के कहो, अखमुंद के, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है जी, चलिए कह रहा है वसा निम्न पदार्थ में से किसमें पाया जाता है, वसा निम्न पदार्थ में से किसमें पाया जाता है। वसा की बात कर, अंग्रेजी में फैट कहते हैं, इसके अधिकता के कारण व्यक्तियों में भीमकाय हो जाता है जी, ज़्यादा मोटापा आ जाता है, तो वसा, वसा का यहाँ ऑप्शनों के अनुसार ऑप्शन ए सही इसका जवाब होगा, मक्खन, मक्खन से वसा, मक्खन में वसा सबसे ज़्यादा पाया जाता है इस ऑप्शन के अनुसार। और भी चीज़ें हैं लेकिन ऑप्शन के अनुसार मैं कह रहा हूँ आप लोगों से। चलिए विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है, निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक मतलब ज़्यादा पौष्टिक बनाने में, समृद्ध बनाने की विधियाँ हैं, रूट्स, मेथड। चलिए पहला ऑप्शन मिश्रण, हाँ जी मिक्सर करके बना सकते हैं, थोड़ा सा दलिया, थोड़ा सा सब्जी, थोड़ा सा चावल, जब मिक्स करेंगे तो गुणवत्ता बढ़ेगी, पौष्टिकता बढ़ेगी। दूसरा ऑप्शन है खमीरीकरण, हाँ जी खमीरीकरण, आप लोगों ने सुना होगा जापान में ईस्ट ये सब चलते ना, सवाल का भी सब्जी बनाया जाता है जी खमीरीकरण करके। चलिए ये इसको भी बनाया जाता है, पौष्टिक बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी कह रहा है अंकुरीकरण, हाँ जी अंकुर, चने को आप लोगों ने देखा होगा जब उसमें अंकुर निकलते हैं दाने, तो वो और ज़्यादा पौष्टिक हो जाता है। चलिए बहुत सुंदर, यानी कि 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं बिना विलंब किए, अगला प्रश्न है वसा का स्रोत है, वो फिर से आ गया यार। चलिए वसा का सबसे अच्छा स्रोत यहाँ पे ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है, ऑप्शन के अनुसार घी। चलिए घी बहुत अच्छा स्रोत है, चलिए दाल में प्रोटीन मिलता है जी, अनाज में भी और मिल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट सा भी मिल सकता है, लेकिन सबसे अच्छा स्रोत है ऑप्शन घी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों, कह रहा है निम्न में से बर्तन को किससे साफ करना चाहिए, ओए किससे बर्तन करें साफ, किससे बर्तन करें साफ, यहाँ साफ करने की बात आई तो चलिए मैं थोड़ा सा ऐड भी करूँगा ना, कोरोना काल चला था पिछले दशक में, पिछले दौर पर सभी को देखें, निम्न में से कह रहा प्रश्न का जवाब होगा किससे बर्तन को साफ करना चाहिए, तो ऑप्शन ए की बात देखें राख, हाँ जी कर सकते हैं साफ, साबुन, हाँ जी इससे भी कर सकते हैं, विम बार कोई कौन नहीं जानता, चलिए मिल गया जवाब ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए साबुन से धोना हाथों को बार बार, चलिए सबसे अपील है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों विद्यार्थियों, आयोजन, आहार आयोजन किस बचत में मदद करता है, तो मैं ऑप्शनों की तरफ जाता हूँ, ऑप्शन ए ईंधन, हाँ जी बचत करता है बच्चे, समय, हाँ जी करता है, ऊर्जा, हाँ जी इसका भी कर सकता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, चलिए यहाँ देखें आप लोग, अगला प्रश्न कह रहा है अशुद्ध पानी पीने से निम्न में से कौन सी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, अशुद्ध पानी पीने से निम्न में से कौन सी बीमारियाँ उत्पन्न होती है, हैजा होता है, हाँ जी होता है, अतिसार, हाँ जी ये भी होता है, डायरिया ये भी होता है, इस प्रश्न का भी सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए सब होते हैं, चलिए विद्यार्थियों और अच्छी तरीके से देखें आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जल का निष्कासन नहीं होता जल का निष्कासन नहीं होता गुर्दे से, हाँ जी ये तो होता है गुर्दे से, फेफड़े से, हाँ जी ये तो होता है जी,
पेट से, अबे पेट से कहाँ से पानी निकलेगा भाई, यानी कि 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा पेट से पानी का निष्कासन नहीं होता है। त्वचा अच्छा से भी होता है बच्चों, आप लोग ध्यान दें। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निर्जलीकरण के कारण मरने वाले बच्चों को पिलाकर बचाया जाता है। कहने का मतलब क्या पिला करके बचाया जा सकता है। चलिए पहला ऑप्शन देखें, ऑप्शन की तरफ देखें, ऑप्शन ए ही मिल गया सही जवाब होगा, ORS। नहीं वाला पानी पिला करके नहीं बचाया जा सकता, चाय पिला करके, चाय पिलाइएगा नींबू पानी, अबे नहीं यार क्या बात रहे, क्या बात कर रहे हो गुरु जी कहिए। चलिए ऑप्शन ए सही है, ORS। यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ ORS क्या होता है, ORS। चलिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप याद करते जाएँ, ORS को हिंदी में कहते हैं जीवन रक्षक घोल। इसका फुल फॉर्म होता है पूर्ण रूप, ओ से ओरल, आर से रिहाइड्रेशन और एस से सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी कि जीवन रक्षक घोल। अगर आप आयुष अकेडमी 10+2 के विद्यार्थी हैं तो मैंने बताया है कि जीवन रक्षक घोल कैसे तैयार किया जाता है। ग्लास पानी लगते हैं, सामग्री होते हैं चीनी, नमक, नींबू और भी एक्स्ट्रा चीज़ें आप डाल सकते हैं इस घोल को बनाने के लिए। चलिए बहुत सुंदर, आप लोग समझ रहे हैं भली बात ही। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न कह रहा है ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है, क्या हो सकता है। ऑप्शन ए की तरफ देखें, उच्च रक्तचाप, तो हाँ जी हो सकता है बिल्कुल, ब्लड प्रेशर, भारापन, हाँ जी हो सकता है, निंद्रा में बाधा, हाँ जी, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए बिना विलंब किए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है जल के शुद्धिकरण का तरीका है, शुद्धिकरण यानी कि प्यूरीफाई करते हैं ना उसको। चलिए जल के शुद्धिकरण का तरीका है, ऑप्शन ए की तरफ मैं अपनी दृष्टि डाल रहा हूँ, कह रहा है छानना, हाँ जी छान के शुद्धिकरण कर सकते हैं, क्लोरीन का उपयोग, हाँ कर सकते हैं, ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं, शुद्धिकरण यंत्र भी होते हैं, हाँ जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा इनमें से सभी। चलिए क्लियर करते जाएं एक एक चीज बहुत अच्छी तरीके से और दिल लगा के पढ़ें। अगला प्रश्न कह रहा है गाँव में समुचित स्वास्थ्य किसकी जिम्मेदारी है, समुचित यानी कि कुल मिलाकर किसकी जिम्मेदारी होती है, प्रश्न यहाँ से कह रहा है। चलिए ऑप्शन ए की तरफ दृष्टि डालते हैं, निहारते हैं, कह रहा है गांव के लोगों की, हाँ जी गांव के लोगों की तो बनती है जिम्मेदारी। दूसरा ग्राम पंचायत की, हाँ जी ये भी सही है, स्वास्थ्य कर्मियों की, हाँ जी। तो इस प्रश्न का भी जवाब देखें इनमें से सभी। चलिए बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी तरीके से समझे इस प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न, खाद्य स्वच्छता को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन कारक हैं, खाद्य स्वच्छता को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन कारक है। अच्छा देखें ऑप्शन ए की तरफ, रसोई घर की सफाई, हाँ जी करनी पड़ती है, प्रभावित करता है, सफाई करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें, भोजन के हस्तन में स्वच्छता, हाँ जी बहुत सुंदर, व्यक्तिगत स्वच्छता, हाँ जी बिल्कुल, इस प्रश्न का भी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न कह रहा है गुणवत्ता परिवर्तन के अनुसार आहार कितने प्रकार का होता है, ये मैं कहूँगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार के होते हैं, मैंने अपने विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है जी, अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस बर्तन में खाद्य पदार्थ को अधिक समय तक रखने पर विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है, अधिक समय तक रखने पर भोजन क्या हो जाता है जी, विषाक्तता, उस बर्तन उस धातु का नाम चुनना है। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तांबा वो चीज़ है जी, इसमें अगर आप खाद्य पदार्थ को चावल है, दाल है, कुछ भी है, अधिक समय तक रखते हैं तो वो विषाक्त हो जाता है। चलिए बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक ISI मार्क उत्पादक है, ISI देखिए यहाँ आ गया, बहुत अच्छी चीज़ है जी, मार्क लेबल लगा होता है चीज़ों में, साबुन, सर्फ, पाउडर ना, पंखे, टंकी, नल, सब चीज़ें होती हैं उनमें एक मार्क आता है जो उसकी क्वालिटी को बताता है। बच्चे ध्यान दें, ISI मार्क उत्पाद है, यहाँ पे मैं कहूँगा ऑप्शन ए, गैस चूल्हा या फिर इलेक्ट्रॉनिक जितने भी चीज़ें हैं उनमें भी ISI का मार्क होता है। चलिए ISI क्या होता है बच्चों मैं बता दूँ, आई का मतलब होता है इंडियन, एस से होता है स्टैंडर्ड और आई से होता है इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये वस्तुओं की पदार्थों की गुणवत्ता को प्रमाणित करता है, ये मार्क लगे होते हैं, बिना मार्क लगे आप लोग वस्तु नहीं खरीदें, चाहे पंखा हो, गैस चूल्हा हो, कुछ भी हो। चलिए बहुत सुंदर, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे और जिक्र करना चाहूँगा कि बाकी ऑप्शन जो ये है, सोना है, सोना जितने भी आभूषण होते हैं हीरे जवाहरात, उसमें हॉल मार्क होता है, कौन सा मार्क होता है, हॉल मार्क। चलिए यहाँ पे हॉल मार्क देखें, हॉल मार्क यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, हॉल मार्क समझें आप लोग, ये जैम देखिए, जैम है, जैली है, चलिए जैली है, जैली है, या फिर अचार होते हैं उसमें किसका मार्क होता है बच्चों, किसका मार्क होता है देखें जरा, किसका मार्क होता है, इसमें होता है FPO, क्या होता है FPO। चलिए F का मतलब फ्रूट, P का मतलब प्रोडक्ट, O का मतलब ऑर्डर, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, जैम जेली अचार जो भी होते हैं ना फल से संबंधित उत्पाद वो। चलिए आप लोगों ने
इसे समझा है अच्छी तरीके से अगर विद्यार्थी है मेरे तो। चलिए उसके बाद कह रहा है घी, घी में क्या होता है, घी में होता है एक मार्क। घी में कौन सा मार्क होता है विद्यार्थियों, एक मार्क। मैं बता दूं एक मार्क क्या होता है, जितने भी कृषि से संबंधित वस्तुएं उत्पादित की जाती है कंपनी द्वारा उसमें एक मार्क का चिन्ह रहता है, जैसे अनाज चावल गेहूं दाल सब में एक मार्क मिलेगा, घी में भी एक मार्क मिलेगा। चलिए आप लोग समझ रहे होंगे प्यारे विद्यार्थियों, समझे अच्छी तरीके से। अगला प्रश्न है एक मार्क की शुरुआत कभी, देखिए फिर से आ गया एक मार्क की शुरुआत मैं बताऊंगा 1940 में हुई थी, 1940। एक मार्क को एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी कहते हैं। चलिए एक मार्क का मतलब एग्रीकल्चर मार्केटिंग, बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत। चलिए आगे अगला प्रश्न देखें, कह रहा है दूध के मिलावट में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। यहाँ सबसे उचित ऑप्शन आप लोग को देखें 43 नंबर का ऑप्शन सी, अतिरिक्त जल ही तो मिलाया जाता है। चलिए बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत। अगला प्रश्न देखें आप लोग अगला प्रश्न क्या कह रहा है विद्यार्थियों। चलिए FPO कह रहा है, फिर से आ गया, अभी तो जस्ट बताए थे तुरंत पहले ही FPO का पूर्ण रूप है, तो ऑप्शन ए दिखाई दिया आप लोगों को, दिखाई दिया कि नहीं, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। चलिए जैम जेली आते हैं, उनमें भी इन सब का मार्क लगा रहता है, लेबल लगा रहता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है खेसारी दाल मिलाई जाती है, खेसारी दाल, खेसारी दाल ये एक विषैला पदार्थ है, दाल है ना। अगर प्रतिदिन आपके भोजन में 40% की अगर हिस्सेदारी है तो आपको लेथराइज्म नामक रोग हो सकता है, जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ विद्यार्थियों। लेथराइज ये आपको आपके पैरों को निस्सीम कर देगा ना, आप जमीन के बल हाथ के बल ना वो ऐसे घसक घसक कर कहते हैं ना वैसे चलेगा, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। देखें इसमें कुछ ना जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं और ये मिश्रण होता है ऑप्शन सी, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी अरहर दाल में। खेसारी दाल किसे मिलाई जाती है, अरहर, क्योंकि दोनों का रंग काला ही होता है। चलिए आगे देखें अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा कार्य स्वरोजगार एवं संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है, दोनों क्षेत्रों में संभव है, स्वरोजगार और संस्था में रोजगार दोनों। यानी कि देखिए पहला ऑप्शन देखें दृष्टि यहाँ पे निहारते हैं तो डाइटिशियन कौन होता है भाई, डाइटिशियन जो भोज्य पदार्थ को ना भोज्य पदार्थ के बारे में इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऐसे खाना चाहिए ऐसे करके खाना चाहिए, वही डाइटिशियन होते हैं, कब समय पे खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। चलिए दूसरा है इंटीरियर डिजाइनर, डिजाइनर जितने भी होते हैं इंटीरियर ना, यानी कि गृह विज्ञान से संबंधित जितने भी डिजाइन है, गृह सज्जा है या फिर घर को कैसे सजाएं, ये सारी चीज़ें कौन कहता है जी, वो इंटीरियर डिजाइनर होते हैं। ये भी हो सकता है ऑप्शन, ब्यूटिशियन, हाँ जी सुंदरता, ब्यूटिशियन, गृह सज्जा, आंतरिक सज्जा, जितने भी घर को बढ़िया से मॉडिफाई किया जाता है, सुंदरता दी जाती है, ये भी तो हो सकता है। तो 46वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी सभी हैं स्वरोजगार। चलिए अगला प्रश्न देखें, कह रहा है कंपनी का मासिक व वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा बनाते हैं। अबे यार ये तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, लेखा विभाग, लेखा विभाग। चलिए बहुत सुंदर याद रखें। अगला प्रश्न कह रहा है नौकरी पेशे वाले व्यक्ति की आय होती है, ये तो बच्चों वाला प्रश्न हो गया विद्यार्थियों, यार निश्चित होती है ऑप्शन ए 48 का ए, निश्चित निश्चित होती है। चलिए बहुत सुंदर। अगला प्रश्न देखिए विनियोग के साधन है, विनियोग, विनियोग को अंग्रेजी में कहते हैं इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट कहते हैं ना। चलिए बैंक में, हाजी बैंक में पैसा रखते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। डाकघर, हाजी बाजार, ओए ये क्या कह दिया भाई, ये गलत है ऑप्शन। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी, ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत सरकार ने द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की। मैं बता दूं बच्चों यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1964 में। यूटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए यहाँ पे मैं देखें, आप लोग देखें यहाँ पे यूटीआई का बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। यूटीआई इसको संक्षिप्त में कहते हैं, आप लोग देख रहे हैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बहुत सुंदर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है 51 नंबर, इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है, इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है। आप लोग देखें इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डाकघर मासिक आय योजना। सावधि जमा एक बार का निवेश है जी, एक बार निवेश कर सकते हैं सावधि जमा। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र ये भी एक बार का निवेश है जी। विकास, किसान विकास पत्र डाकघर के अंतर्गत आता था, मैंने बताया था। चलिए बहुत सुंदर आगे बढ़ते हैं बिना विलंब किए। अगला प्रश्न देखें विद्यार्थियों, कह रहा है इनमें से कौन बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋण नहीं है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को, नहीं है। चलिए मकान के लिए बैंक देता है जी, हाँ जी देता है ऋण लोन देता है। शिक्षा के लिए देता है, हाँ जी देता है। सामानों की खरीद करने के लिए, हाँ जी देता है। लेकिन शादी के लिए कैसे देगा, चलिए ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा शादी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा बच्चों, तो होगा शादी। शादी के लिए बैंक कोई ऋण नहीं देता है।
बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। अगला प्रश्न देखें, कह रहा है धन तथा संपत्ति को माना जाता है। ओए धन, पैसा, रुपए, संपत्ति, हाँ कहते हैं कि अगर मेरे पास पैसा होता पूछो जरा कैसा होता। धन तथा संपत्ति को माना जाता है बच्चे ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का जवाब होगा आवश्यक साधन। ये बहुत जरूरी है, समझ में आया बात। चले इसको याद करते चले, कंठस्थ करते चले, सभी विद्यार्थियों से नम्र निवेदन है। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है, नहीं है। चलिए ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं, धूप में सुखाना, हाँ जी ये तो घरेलू मेथड है जी। हिमीकरण, हाँ जी करते हैं। फ्रीजिंग करते हैं। चीनी या नमक का उपयोग करते हैं, हाँ जी करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पाश्चुराइजेशन। चलिए एक बार फिर से मैं जिक्र करना चाहूँगा, पाश्चुराइजेशन क्या होता है जी। तो दूध ले लीजिए या फिर कोई द्रव खाद्य पदार्थ ले लीजिए, उसको एक हद तक, एक टेम्परेचर तक हम जब गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जिससे इसमें के दूध हो या फिर कोई चीज़ हो, वस्तु द्रव्य हो, उसमें के बैक्टीरिया जीवाणु मर जाते हैं, वो कहलाता है पाश्चुराइजेशन। तो वे घरेलू विधि में आते ही नहीं है, समझ में आया। चलिए बहुत सुंदर, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं है। विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं है, परिधान मतलब जो हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं अपने शरीर को ढकने के लिए, वहीं परिधान कहलाते हैं। विवाह, हाँ जी, अरे विवाह तो होता है भाई, दुल्हन शादी का जोड़ा पहनती है, दुल्हा भी शेरवानी पहनता है, सूट पहनता है, मृत्यु सादे वस्त्र पहन के जाते हैं शमशान घाट पे। चलिए पार्टी में जाते हैं, हाँ जी पार्टी में सूट कोट टाई पहन के जाते हैं, पार्टी की परिधान होती है। लेकिन यहाँ पे देखें ऑप्शन सी जन्म, ओ यार जन्म में कौन सा वस्त्र पहने, ये इस प्रश्न का सही जवाब है। बहुत सुंदर, आगे बढ़े विद्यार्थियों। बैंगनी रंग, बैंगनी रंग है, बैंगनी रंग क्या है तो मैं बता दूं, बैंगनी रंग सेकेंडरी कलर के अंतर्गत आता है, द्वितीय क्रम। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें आप लोग, 57वां नंबर, 57वां नंबर कह रहा है निम्न में से कौन से, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा है, प्राकृतिक नेचुरल, नेचुरल रेशा है जी, नेचुरल। चलिए यहाँ पे मैं बात कहूँगा ऑप्शन ए के बारे में, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, अंग्रेजी में सिल्क कहते हैं, हिंदी में इसका होता है रेशम। ये तो प्राकृतिक है, रेशम का रुमाल आप लोगों ने गाना सुना होगा चलिए बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, वनस्पति दाग धब्बों को किस माध्यम द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए वनस्पति के दाग धब्बों को बोरेक्स, हाँ जी हटा सकते हैं इससे, अमोनियम, हाँ जी हटा सकते हैं, वाशिंग सोडा, हाँ जी ये भी लगा करके आप क्या कर सकते हैं, वनस्पति दाग धब्बों को आप मिटा सकते हैं। चलिए बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए 59वां प्रश्न कह रहा है रेशा जो मजबूत होता है वह रस्सियाँ बनाने में काम आता है, वो रेशा जो मजबूत होता है और रस्सियाँ बनाने में काम आता है। तो सबसे सही ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है इस प्रश्न का, ऑप्शन होगा, ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन ए, सूती। सूती वो धागा है जो मजबूत होता है और रस्सियाँ बनाने में भी काम आता है। चलिए बहुत सुंदर, अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। कह रहा है भारी वक्ष वाली महिलाओं को कौन से रेखा वाले वस्त्र पहनाना उचित है, भारी वक्ष वाली महिलाओं को कौन से रेखा वाले वस्त्र पहनना उचित रहता है। मैं बता दूं ये गृह विज्ञान कहता है ऑप्शन डी, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, लंबी रेखा वाले, लंबी रेखाएं होनी चाहिए। चलिए बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों, कह रहा है निम्न में से किस रेशे से सूती वस्त्र का निर्माण होता है। और ये क्या बच्चों वाला प्रश्न कह दिया, हमने बचपन से पढ़ा है ऑप्शन डी, कपास के पौधे से सूती वस्त्र का निर्माण होता है, आप लोग याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या है, मानव निर्मित तंतु है, मानव निर्मित तंतु यानी कि आर्टिफिशियल, मानव निर्मित अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल, मानव निर्मित, चलिए आर्टिफिशियल, चलिए यहाँ पे जगह नहीं है। ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा नायलॉन, नायलॉन पॉलिएस्टर आप लोग समझ रहे हैं, ये होते हैं मानव निर्मित, चलिए तंतु। अगला प्रश्न देखें विद्यार्थियों, अगला प्रश्न कह रहा है कि कपड़ों को चुनाव करते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए। हाँ जी बहुत अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन ए की तरफ निहारते हैं, दृष्टि डालते हैं। चलिए ऑप्शन का, धोने में सुविधा, हाँ जी ये तो सही है लग रहा है, रंग का पक्कापन, हाँ जी कलर अच्छे होने चाहिए, सूखने की क्षमता, चलिए ये भी अच्छी बात है। चलिए यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। अगला देखें, वस्त्र में जिस स्थान पर वस्त्र को बंद करने वाले बटन इत्यादि लगाए जाते हैं उसे कहते हैं, तो आप लोग याद करें इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब है ब्लैकेट, ब्लैकेट कहते हैं जो सिलाई करते हैं उनको ये मालूम होगा। चलिए बहुत सुंदर, अगला कह रहा है शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है, शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है, ये प्रश्न आप लोग ध्यान से देखें,
ये कुछ गहरा ही पूछ दिया है जी, लेकिन मैं बताऊंगा। फ्रेंच चौक नहीं जी, चौक का प्रयोग कहाँ करते हैं सुस्त लाई में, नहीं होगा। मैदा ये भी नहीं होता है। टेलकम पाउडर नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। मैं याद दिला दूँ, शुष्क ढलाई के लिए कुछ कार्बनिक पदार्थों का आप प्रयोग किया जाता है। कार्बनिक पदार्थों किसका, कार्बनिक, चलिए यहाँ पे जगह नहीं है, कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है बच्चे, याद रखिएगा। इसलिए इस ऑप्शन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार। चलिए आगे प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। सूती वस्त्र को निम्न में से कौन से पानी में धोना चाहिए, कौन से पानी में धोना चाहिए। बस सूती वस्त्र आ गया, हमेशा ठंडे पानी में, ठंडे पानी में नहाना चाहिए। गाना गाए, गाना आए या ना आए, गाना गाना चाहिए, याद रखें। सूती वस्त्र ठंडे पानी में धोया जाता है। चलिए बहुत सुंदर। अगला प्रश्न देखें, इनमें से कौन नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है, इनमें से कौन नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है। देखें, याद करें इस प्रश्न का सही जवाब। देखें, नवजात जो शिशु होते हैं, न्यू बोर्न चाइल्ड होते हैं, उनको देखें, देखे होंगे कि आपकी डायपर पहनाया जाता है, डायपर टाइप का कुछ आता है, बच्चे शिशु करते हैं या फिर पोटी करते हैं तो उसको वो ऑब्जर्व कर लेता है। चलिए इस प्रश्न का सबसे सही उचित जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नहीं है बच्चे, ऑप्शन ए है। आगे की ओर खुलता है जी, कहाँ की ओर, अग्गे से खुलता है, अग्गे से, ऊपर से नहीं। चलिए बहुत सुंदर, खूबसूरत। यहाँ देखें अगला प्रश्न कह रहा, कीमती वस्त्र को क्या करना चाहिए, तो मैं बता दूं, ना ही साबुन से धोना चाहिए, ना ही स्टार्च लगाने चाहिए, ना ही डिटर्जेंट से धोना चाहिए, बल्कि उसे कराना चाहिए ड्राई क्लीन करा करके कराना चाहिए, ड्राई क्लीन कराना चाहिए। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। उम्मीद है आप लोग की चीज़ समझ में आई होगी। अगला देखते हैं 69वां प्रश्न आज का। 69वां प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है। चलिए बर्तन, हाँ जी जरूरी है जी। चलिए फर्श जरूरी है जी, बर्तन जरूरी है जी, स्लैब हाँ जी जरूरी है, खिड़की दरवाजे, ये क्या कह दिया, ये तो कतई भी जरूरी नहीं है। खिड़की दरवाजे को आप कैसे रोज रोज साफ कर सकते हैं। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। आप लोग देखें अगला प्रश्न क्या है जी, अगला प्रश्न आज का और आखिरी प्रश्न 70वां कह रहा, कौन निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है, निम्न में से कौन गृह विज्ञान की, होम साइंस की शाखा नहीं है। चलिए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा डाइटेटिक्स। डाइटेटिक्स क्या होता है, मैंने बताया था कि एक संस्था होती है, इसमें भोज्य पदार्थों को कब खाना है, कैसे रखना है, क्या क्या हानियाँ हैं, ये एक अलग ही शाखा होता है होम साइंस में। बाकी सब देखें विद्यार्थियों, ये जो है प्रसार शिक्षा भी है होम साइंस की शाखा, वस्त्र विज्ञान भी है और मानव विकास भी, ये तीनों सही है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ये गृह विज्ञान की शाखा नहीं है, डायटेटिक्स। चलिए बहुत सुंदर, तो आज के लिए इतना ही। ये 70 प्रश्न आपके पूरे हो चुके हैं विद्यार्थियों, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और अगले मॉडल प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग इंतजार करें, जल्द ही वो मेक किया जाएगा, जल्द ही बनाया जाएगा। चलिए तब तक के लिए आप जाते जाते एक गाना आप लोग मुझसे सुन सकते हैं, और यहाँ पे मैं बता दूँ कि आई एम अ म्यूजिशियन, जस्ट लिटिल म्यूजिशियन, ये मेरा गिटार बज रहा है और सुनते जाए गाना। तेरी उम्मीद ना करते हुए, तेरी ही उम्मीद की है, करते हुए तेरी ही उम्मीद की है। तेरा प्यार हर एक पल दिल में है, तेरा प्यार हर एक पल दिल में है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। चलिए बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते।